हेलो इंजीनियर्स, दिस इज रोबोटिक्स कांति। तो आज आपके लिए है एक इंडक्शन जो कि सर्किट, इसको आप आसानी से कहीं पे भी चिपका सकते हैं। मतलब लोहे का चीज होना चाहिए, इस पर अगर चिपकाएंगे तो इसके अंदर जो लोहा है वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद दूसरे लोहे को गर्म करेगा और इसके अंदर जो भी होगा मतलब पानी वगैरह सब कुछ गर्म हो जाएगा। एक्चुअली मैंने और एक वीडियो बनाया था जिस पर हमने जो कि ग्लास के अंदर हमने एक मॉक बनाया था जिसके अंदर पानी डालेंगे तो ये गर्म होगा, उसका ही एक अपग्रेड वर्शन है ये। ये सिर्फ इतना ही सर्किट, इतना ही दिखने में, तो इसको सिर्फ आप चिपकाएंगे तो ही आसानी से गर्म हो जाएगा। तो चलिए, ये जो सर्किट है इसको मैंने किस प्रकार से बनाया वो आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई चेल्सी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो हम लोग जानते हैं इंडक्शन का कॉयल के अंदर कोई भी लोहा अगर डालेंगे तो लोहा तुरंत गर्म हो जाता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करके आज के जो सर्किट है उसको हम लोग बनाएंगे और इसके अंदर एक मेटल डालेंगे ताकि मेटल भी गर्म हो जाए। तो मेटल गर्म होने के बाद किसी भी चीज को हम लोग गर्म कर सकते हैं। तो चलिए, इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग आज के सर्किट बनाते हैं। तो अभी तो आपने देखा सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग इस पर लगाएंगे जो इंडक्शन, मतलब जो मेटल को गर्म करेगा वो इंडक्शन का कॉयल हम लोग बनाएंगे और साथ में एक लोहे का चीज भी हम लोग इस पर सेट करेंगे। तो चलिए, इसको बना के हम लोग इसके अंदर इसको फिट करेंगे, करने के बाद हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सर्किट को बना दिया है अभी। तो मैं आपको बोलता हूँ क्या क्या इसमें एक्चुअली लगा हुआ है। तो ऊपर की तरफ मैंने सर्किट को लगाया है और इसके अंदर थोड़ा सा गैप है ताकि जब भी लोहा गर्म होगा तो ये सर्किट को कोई खराब ना हो, इसलिए मैंने इसको इस तरह बनाया है। तो इसको कॉयल को मैंने इस लोहे के अंदर मैंने गुल गुल राउंड करके घुमाया है। तो जब भी इंडक्शन या पे इंडक्शन का जो सर्किट है वो 12 वोल्ट रिसीव करेगा, जो कि डीसी 12 वोल्ट होगा। रिसीव करने के बाद इसमें से आउटपुट करके यहाँ पे लोहे को गर्म करेगा। लोहा जब भी गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, मैं जहाँ पे भी लगाऊंगा वहाँ पे ये गर्म रहेगा। ठीक है, इस ग्लास पे लगाऊंगा तो ग्लास गर्म हो जाएगा, क्योंकि लोहा गर्म हो रहा है तो ग्लास भी मेटल का ही है, तो इसलिए ये गर्म होके जो कि पानी भी गर्म हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो पानी रखा है ये एक्चुअली ऑलरेडी गर्म है, मैं जब भी इसको लगाऊंगा तो तुरंत ये उबलने लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म है ये पानी। तो मैं अभी आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा।
और ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को मैंने पिछला एक वीडियो में बताया था, जो कि चाय को उबालने के लिए मैंने एक ग्लास के अंदर डायरेक्ट फिट कर दिया है। तो ये एक अपडेट वर्जन है, उसी प्रोजेक्ट का ये अपडेट वर्जन है। तो इसको जब भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो ये काम करेगा, लेकिन ये थोड़ा स्लोली करेगा। उसी पहले जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही बेहतरीन था। तो अभी आपको दिखाते हैं, इसको लगा के आपको अभी टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से एक इंडक्शन कॉयल हम लोग बना सकते हैं, वो भी चिपकाने वाला। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।